हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कीप अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल बटन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। सो 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। सो टुडेज लुक इज बेस्ड ऑन दिस ओकेशन। आई नो आज के सिचुएशन में बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है, पर आप ये लुक ज़रूर घर के पूजा पे क्रिएट कर सकते हो और कई भी आपके पसंद के लुक आप घर पे क्रिएट कर सकते हो। इससे आपको खुशी भी मिलेगा। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं मेन वीडियो। तो पहले मैं प्लम ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र को लेके अपने पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। उसके बाद मेरे फेवरेट ब्लू हेवन का प्राइमर अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। देन ये स्टेक वेयर की का आईलिड प्राइमर को अपने आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आई प्राइमर से जो है आपके आईज का मेकअप ज़्यादा टाइम तक रहेगा। उसके बाद अपने आईब्रोज को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, कोई भी आईब्रो पॉमेट या फिर आईब्रो पेंसिल या फिर कोई भी आईब्रो किट से अपने आईब्रोज को आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर आईब्रोज को क्लीन करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज़ करूँगी इन द शेड लाइट। आपको कभी भी कोई मेकअप नहीं करना है तो मत करो अगर पसंद नहीं है, बट अपने आईब्रोज को ज़रूर ड्रॉ करो क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है अपने आपके फेस पे। और उसी सेम कंसीलर को अपने आईलिड पे भी मैं यूज़ करूँगी विथ माई कलर बर फ्लैट ब्रश। देन एक ब्लैक जेल लाइनर से अपनी लैश लाइन पे एक पतली सी लाइन ड्रॉ करूंगी। फिर रूट कॉस्मेटिक्स का मीन गर्ल पैलेट से ये ब्लैक कलर का शेड लेके अपनी लाइनर के साथ ये कलर एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अच्छे से स्मच कर लूंगी एंड ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद के ब्यूटी का जो स्टिक मेटलिक आई शेडोज है उसका जो हाई बॉन्ड शेड है उसको ठीक ब्लैक आई शेडो के ऊपर यूज़ करूँगी और एक ब्रश के साथ उसको स्मच कर लूँगी। आप ये अपने हाथ से भी कर सकते हो क्योंकि ये आई शेडो स्टिक बहुत बहुत ही अच्छा है। उसके बाद वही पैलेट से एक ऑरेंज शेड लेके अपने क्रीज लाइन को ड्रॉ कर लूँगी एंड सब आई शेडोज को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि मुझे एक सॉफ्ट आई लुक चाहिए। देन स्टार कॉस्मेटिक से ये लाइट ग्रीन पिगमेंट को अपनी एक ब्रश के हेल्प से ठीक अपने आईलिड के मिडल पे अप्लाई करूँगी। फिर जिस ब्लेंडिंग ब्रश से अपनी ब्लैक आई शेडो को अप्लाई किया था उसी ब्लेंडिंग ब्रश से उस पिगमेंट को अच्छे से हल्के से उस ब्लैक आई शेडो के साथ मिक्स कर दूंगी। आज मैं एले कलर्स का न्यूट शेड फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई करूंगी, अपने नेक पे भी अच्छे से ये फाउंडेशन अप्लाई कर लूंगी। एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। फिर एले गर्ल प्रो कंसीलर इन द शेड मीडियम बीज को अपने कंसील्ड एरिया और हाइलाइटेड पॉइंट पे अप्लाई करूंगी और अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर लेना है। देन भारतन डोरिस का कॉन्टोर शेड अपने फेस पे अप्लाई करना है जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोर करना है। मेरा फॉरहेड बहुत बड़ा है इसलिए मुझे फॉरहेड पे ज़्यादा कॉन्टोर अप्लाई करना है। कॉन्टोर से आपके फेस को एक अच्छे से शेप मिलता है, इसलिए कोई भी मेकअप अगर करना है अच्छे से आपके फेस को कॉन्टोर भी करना बहुत ज़रूरी है। अब पूरे क्रीम कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि वो हार्श ना दिखे। बाद वेट एंड वाइल्ड का एक पाउडर कॉन्टोर पैलेट से अपने फेस को कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो एकदम सॉफ्ट कॉन्टोर दिखे।
देन बैक टू माई आई मेकअप अगेन। देन उसी पैलेट से वो ब्लैक कलर लेके एक टैपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अपने लोअर लैश लाइन पे उसको अप्लाई करना है। और फिर उसी पिगमेंट को अपनी लोअर लैश पे ठीक ब्लैक शेडो के आगे अप्लाई करना है। नायका का ये जेड कलर का कोहल पेंसिल अपनी वाटर लाइन पे आज मैं अप्लाई करूंगी। After I will curl my eyelashes and applying some coat of mascara from Wet n Wild. This is Wet n Wild Clear Gel Mascara. आज मैं ब्रॉन्सन का 72 नंबर फॉल्स लेस एज अ फॉल्सी यूज करूंगी। लैश बैंड को छुपाने के लिए जेल लाइनर अप्लाई करना है सिर्फ लैश बैंड के ऊपर। एक्सेस पाउडर को अपने फेस से एक बड़ी सी ब्रश के साथ डस्ट आउट कर देना है। वेट एंड वाइल्ड का एक ब्रॉन्जर इन द शेड प्लम बीच रेडी को अपनी फेस पे एज अ ब्रॉन्जर यूज करूंगी। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप ना चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं। वेट एंड वाइल्ड का ये मेलो वाइन ब्लश अपनी फेस पे मैं यूज करूंगी, ये मेरा फेवरेट ब्लशर है। देन ब्लू हेवन के फिक्सर से अपनी पूरी फेस के मेकअप को फिक्स कर लेना। आफ्टर ऑल फिक्सिंग माई मेकअप, मेकअप रेवोल्यूशन का सोफेक्स हाइलाइटर पैलेट से ये गोल्डन शेड अपनी चीक बोन, नोज, चिन, लिप्स के ऊपर सभी हाई पॉइंट पे अपनी अप्लाई करूंगी। एंड सेम हाइलाइटर को अपनी ब्रॉ बोन एंड आई इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करना है। लिप्स को हाइड्रेशन के लिए एक लिप बाम यूज करूंगी। Then I will draw my lips with Plumberry Lip Liner from Wet n Wild. Today I am going to use K Beauty का ये lip crayon in the shade Fashionista. ये shade एकदम dusky pink color का है and ये आप regular wear में use कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा smooth matte finish and non-drying lip crayon है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा इसका क्वालिटी। फिर एक बड़ी सी बिंदी अपनी फॉरहेड पे अप्लाई करूंगी, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे फॉरहेड बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ी बिंदी मैंने चूज किया। बाल मैं खुले ही छोड़ूंगी, आप चाहे तो एक बन बना सकते हैं। इस लुक के साथ बन अच्छा ही जाएगा। तो दिस इज माई फाइनल लुक। कैसा लगा आज का ये लुक मुझे कमेंट में जरूर बोलना। आपके कमेंट के लिए मैं ईगरली वेट करती हूँ। सो जरूर कमेंट करना एंड पूरा वीडियो जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और आप शेयर भी कर सकते हो। ब्यूटी और मेकअप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो आप बिना झिझक के मुझसे पूछ सकते हो मेरे सोशल अकाउंट्स पे। ऑल लिंक्स आर गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर ये लुक आप क्रिएट कर रहे हो तो मुझे टैग करना मत भूलना मेरे सोशल अकाउंट पे। और अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब नहीं करके मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक ज़रूर करना। So bye bye guys, love you so much, happy Ganesh Chaturthi in advance sabko।